सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर एक अपडेट निकल के आ रहा है। क्या अपडेट निकल गया है वो तो गाइस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, बट गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक ऐप का बताना चाहूंगा जो आपकी स्टडी में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब आपकी सभी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स के डाउट सॉल्व करने के लिए आ गया डाउटनेट ऐप। इस ऐप के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन की फोटो को क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो। विद इन 3 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ऐप 6 to 12 नीट IIT-JEE सभी स्टूडेंट्स के लिए है, तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करो। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कंपार्टमेंट एग्जाम की जो PIL फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी डेट शिफ्ट हो गई। मतलब पहले तो कंपार्टमेंट एग्जाम की जो सुप्रीम कोर्ट में केस था उसकी सुनवाई आज होने वाली थी, आज डेट थी उसकी, लेकिन वो डेट को शिफ्ट कर दिया गया कल के ऊपर। वैसे गाइस डेट तो कल ही शिफ्ट हो गई थी। कल इन्फॉर्मेशन नीतिका मैम जो रिपोर्टर है इंडिया टीवी की, उन्हीं ने ये न्यूज़ अपनी ट्विटर हैंडल पे शेयर कर दी थी कि कल मतलब 4 सितंबर को कंपार्टमेंट एग्जाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देगा। वैसे गाइस फाइनल डिसीजन 3 सितंबर को आने वाला था आज, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल इशू की वजह से डेट को शिफ्ट कर दिया गया है। नीतिका मैम ने खुद ने ये जानकारी दी। पहले तो 3 सितंबर की डेट थी वो भी नीतिका मैम ने ही दी थी, अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट करी थी, और जो 4 सितंबर डेट है वो भी नीतिका मैम ने ही अपडेट करके सभी YouTube चैनल को बताया है, और सभी को न्यूज़ नीतिका मैम के द्वारा ही आती है। वैसे गाइस अगर आपको कंफर्म करनी है डेट को तो आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, इट हैज़ बीन चेंज्ड। गाइस सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल इश्यूज़ की वजह से कुछ डेट को शिफ्ट कर दिया गया है। गाइस एक्चुअली आपको पता ही होगी कि होगा कि अभी थोड़े दिन पहले जो हमारे एक्स प्रेजिडेंट थे उनका मतलब डेथ हुई थी, तो उसी वजह से थोड़ी मतलब इंटरनल इशू हुए थे जिससे डेट्स वगैरह को शिफ्ट किया गया। अब ये पक्का यही कारण है या नहीं है ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इसी टाइप के इंटरनल इशू की वजह से डेट को एक और शिफ्ट किया गया है। दूसरी बात गाइस, बहुत से स्टूडेंट मेरे को कह रहे हैं कि सर आप रोजाना कल 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 कह रहे हो, तो गाइस देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आप सभी को न्यूज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो न्यूज़ आती मेरे पास में, जैसे कंपार्टमेंट एग्जाम की न्यूज़ आती कि ये आ रही न्यूज़, तो मैं आपको पहुंचा देता हूं, हर एक न्यूज़ की मैं आपको प्रूफ भी शेयर करता हूं। तो गाइस जो न्यूज़ मेरे को मिलेगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा, मेरा यही काम है। अगर आपको न्यूज़ के बारे में डिटेल में पूछना मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट करो। बाकी गाइज अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आप में बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कंफर्म बताओ कि होगे नहीं होगे, आपने सर परेशान कर रखा है। तो गाइज देखो सिंपली मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मैं आपको कोई भी परेशान नहीं करना चाहता। क्लियर मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपार्टमेंट एग्जाम का फैसला कल आ जाएगा, कल आपको पता लग जाएगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होने वाले या नहीं होने वाले। होने वाले होंगे तो कल कर दिए जाएंगे कैंसिल, अगर नहीं होने वाले होंगे तो आपको अपनी एग्जाम इसी मंथ के अंदर कब होने हैं, कब डेट शीट आएगी, कैसे आपके एडमिशन होंगे, सब कुछ कल सुप्रीम कोर्ट बता देगा। तो कल की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। गाइस टाइमिंग अभी तक क्लियर नहीं करी सुप्रीम कोर्ट में। वैसे अभी माना जा रहा है कि दोपहर 10:30 बजे या फिर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे या फिर 10:30 बजे तक फैसला आ जाएगा, क्योंकि गाइस कोर्ट के अंदर हियरिंग स्टार्ट हो गई 10:30 बजे और कोर्ट क्लोज होगा 12 बजे, तो 12 बजे तक आपको फैसला मिल जाएगा कंपार्टमेंट एग्जाम के ऊपर। जैसे गाइस कोई फैसला आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक गाइज आप सभी को एक ही काम करना है, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो में कोई भी डाउट हो फ्रीली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, मैं फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुनिए सेफ रहो।